हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि अब आप लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करेंगे, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उन्हें हिंदी पढ़नी है। दूसरी बात मेरी ये सुनने में आई थी कि हिंदी को लेकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर्स आप लोगों ने उठा कर देखे हैं, उसमें आपको जैसे जीएस या फिर उत्तराखंड की बात की जाए तो क्वेश्चन मिल जाते हैं बुक्स में, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या किया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक से आप लोगों की हिंदी की क्लास आएगी, कुछ टॉपिक्स मैं कवर करवा चुकी हूँ, उनका आपको क्या करना है उस चीज़ पर आप देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपका सिलेबस उठा कर देखूं, इसमें हिंदी में आपका सबसे पहले जो भाषा एवं हिंदी भाषा, इसके प्रकार, हिंदी का विकास, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा ली हैं। तो मैंने अपना यहाँ से एक आप लगा लीजिए कि टॉपिक आपको पढ़ा लिया है, जितना मुझे इम्पॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको उसी टॉपिक पर क्या करना है, आपने यहाँ से क्लास उठाई, फर्स्ट जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था हिंदी भाषा का, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि का जो विकास है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको टॉपिक उठाना है। टॉपिक आपने समझा, जो मैंने वीडियो में आपको समझाया, आपने पढ़ा, समझ में आपको आ गया, अब आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं, जहाँ के भी, अगर आपको कोशिश करिएगा कि उत्तराखंड के ही नहीं, अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी आप हिंदी के क्वेश्चंस निकालिएगा और इसके क्वेश्चन करना शुरू करिएगा। समझ लिया आपने? जब आप इसके क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं कहाँ से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे करना है, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और कोशिश ऐसे ही करनी है, टॉपिक पढ़ा, उसके MCQs निकाले, MCQs किए, दूसरा टॉपिक उठाया, उसका भी सेम करना है। और जितने क्वेश्चन पेपर अभी तक आपको मिल रहे हैं उन सबको लेकर बैठ जाइए और उनको करना शुरू कर दीजिए। तो जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या करें, मतलब हिंदी में कुछ अलग सा ही पूछ लिया जाता है, ये चीज़ होगी। अगर बात करें वर्तनी की, शुद्धिकरण जो आपसे पूछा जाता है कि वाक्य का शुद्धिकरण करिए, तो वो आपको एग्जाम्पल कहीं से भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको कहा है ल्यूसेंट आप पढ़िए, वो ल्यूसेंट से आपको एग्जाम्पल दे। ल्यूसेंट से आपको टॉपिक पढ़ने को कहा जाता है ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत से बच्चों का ये भी कहना है कि मोस्टली हिंदी जो पढ़ाई जाती है वो जो बुक्स है, ल्यूसेंट है या NCERT है, उससे ही उठाकर आप लोग पढ़ा देते हैं। तो देखिए, पढ़ाया आपको वही जाएगा, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस खुद से करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस हम अवेलेबल यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं, वो आपको खुद से करना होगा और नई नई चीज़ें उसमें आपको खुद से ढूंढनी होंगी, तब जाकर ही ये आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है कि कहीं से भी उठाकर पूछ लेते हैं वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो आपको उठाने हैं। ये उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के भी आप उठाकर देखिए, क्योंकि देखिए 2-3-4 महीने जितने भी हैं, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। 20 नंबर की हिंदी है, 18 नंबर ले आएंगे, बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कि आपको इसको कैसे करना है। दूसरी बात, जो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ, अगर मुझे समय मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा दूँ या अन्य तरीके से कुछ उसे आप लोगों के लिए सरलीकरण करके मैं लेकर आऊँ। लेकिन अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं वो तो मैं यहाँ पर करवाऊँगी ही करवाऊँगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक बचे हैं वो मैं क्लियर करवा दूँगी आपको आने वाले समय में। और ये लगा के चले, आने वाला जो 1 से 2 हफ्ते होंगे इसमें मैं हिंदी ही आपको पढ़ाऊँगी, अन्य कोई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। क्योंकि हिंदी के ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये मुझे लगता है और ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है। तो आने वाले ट्यूसडे से आप लोगों की हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है। आप लोगों को, जिसको भी ये वीडियो शेयर करनी है, आप लोग शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि फिर क्लास में अपलोड कर देती हूँ और बहुत महीने 2 महीने के बाद जो है क्वेरीज आती है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है मुझे रिप्लाई करने की। तो कोशिश करेगा जितना ज़्यादा शेयर हो इसे शेयर कर ले। आने वाले ट्यूसडे से आप लोगों की हिंदी की क्लास आएगी और हिंदी की क्लास हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, वहां से उठाकर प्लेलिस्ट भी देखते रहें ताकि आपको पता रहे कि लास्ट टाइम हमने हिंदी कहां तक पढ़ी थी, ठीक है। इसके साथ ही आज के वीडियो में समाप्त करती हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।